हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम सब लोगों को आपको। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा टेम्प्रेरी किचन था, जो पिछले कल हमने शिफ्ट कर दिया, फ्रिज नहीं ले गया। बाकी यहाँ पे बाहर आ गए तो देखो, यहाँ पे पापा ना फिल्टर धो रहे हैं, और मैं पोछा लगा के फ्री हुई तो मैं अंदर तो पोछा लगा दिया। मैंने कहा चलो अब किचन में लगा लेते पोछा। तो ये रहा मेरा किचन, जो कि आपको दिखा रही हूँ, अब थोड़ा रेनोवेट हुआ है। इसमें रेनोवेशन का काम चला था, जैसा आपको पता है, जो रेगुलर ब्लॉग देखते ना उनको पता होता, बाकी जो पहले फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए ना मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो आपको ना फिर पता चल जाएगा ना, फिर आप वीडियो देखते रहना, फिर आपको पता चलेगा हम रेनोवेशन का काम करवाया थोड़ा बहुत। यहाँ पर रही कीबी, और कीबी ना चाची ने दी थी अभी जब मैं मायके गई थी ना। तो चाची अगर आप देख रहे हो ये वाला ब्लॉग ना, तो आपको बता देखा आपकी कीबियाँ अभी तक हमारे चली हुई, अभी ख़त्म नहीं हुई। ये लास्ट शिफ्ट है ना, तो अब पक गई है, बस ये लास्ट शिफ्ट है। तो कमेंट करके आपने बता देना चाची चाची। और यहाँ पे देखो, ये हमने स्विच बोर्ड लगाए हैं, तो इस तरह के लगाए, पहले दूसरे थे ना, अभी हमने ये वाले एंकर के लगाए, ये वाले अच्छे से, और बटन ना बड़े अच्छे से टिच टिच करने में बड़ा मज़ा आ रहा। तो यहाँ मैंने लाइट ऑन ऑफ कर रही थी, तो अभी पता नहीं चला क्योंकि बाहर धूप है ना, उसका थोड़ा सा रोशनी अंदर है। बाकी ये ना, ये नहीं था पहले, ये मैंने लगाया है। यहाँ पे लग रहा है गीज़र, तो उसके लिए ये लगाया है, और ये चिमनी के लिए लगाया हमने यहाँ पे। तो जैसे ना अभी ठंड होगी तो हमने काम थोड़ा रोक दिया है, तो हम गर्मियों में स्टार्ट करेंगे बाकी काम, जैसे कैबिनेट वगैरह नीचे का जो रह गया ना ये, और थोड़ा पेंट के दाग थे ना नीचे, वो ढंग से साफ नहीं होते, तो मैंने कहा चलो पोछा लगा लेते हैं। यहाँ पे पोछा लग रहा है जी। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमने कहा चलो हम शिफ्ट कर लेते। गैलरी में बहुत ठंड लग रही थी काम करते हुए। देखो मैंने अच्छे से साफ़ किए, दाग वगैरह सारे निकल गए। तो यहाँ पे पापा ने फिल्टर जो धोया वो सुखा के अब इसको फिक्स भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे ये हमारा फिल्टर लगेगा ना, इसके ऊपर लगेगा छोटा सा गीज़र हम लगाएंगे, जो वो इसके ऊपर फिक्स होगा। और बाकी अभी दोपहर के 3 बज गए हैं, और मेरा छोटा नन्ना उस्ताद अभी सोया हुआ है, तब चाय का टाइम है, तो अब मैं किचन में मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे देखो मेरी ग्रीन टी बन गई है, बाकियों को मैंने चाय बनाई और अपने लिए ग्रीन टी बनाई। तो ये देखो मैं आजकल ग्रीन टी पी रही हूँ, आजकल ना डाइटिंग भी हो तो थोड़ी डाइटिंग कर रहे, पतला पतला हो जाते हैं थोड़ा बहुत, और इसलिए ग्रीन टी स्टार्ट करिए पीना। ग्रीन टी वैसे पहले से पीती हूँ, पर ऐसे ऐसे भी ग्रीन टी पी के थोड़ा सा अच्छा सा लगता फील होता है। और सर्दियाँ बहुत होगी तो आज हम सोच रहे तंदूर भी लगा लेते हैं, तो तंदूर ना मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, जो लगाएंगे ना अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आपको। फ़िलहाल आप ये देखो मेरी ग्रीन टी जो है वो रेडी हो गई है, इतनी सी मैंने ग्रीन टी की पत्ती वाई है। देखो आप ग्रीन टी का कलर दिखा दो, जो ऐसा कलर आता है ना मेरा बड़ा अच्छा से लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगी ना, ये लेके आए थे हम, मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये हाउस वाइफ होती किचन में रहता है ना, सिंक में सारा हम डालेंगे ना तो सारा वो जाम हो जाती, पाइप इतनी जाम होती है ना हमारी, अभी सारी सफाई की तो इतना निकला है ना। तो ये जाली लेके आए थे, ये देखो इस तरह से ना, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मतलब जो भी हम थोड़ा बहुत वैसे फेंक देती हूँ ना मैं डस्टबिन में, चाय वगैरह पत्ती वगैरह, कई बार होता ना थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है ना, तो वो पाइप में चला जाता था, पर ये जाली लगा के ना बड़ा सही हो गया। ये देखो इसमें जाली में फंस रहा है सारा जो भी है, मतलब इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं जा रहा पाइप में। तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी ये, काफ़ी अच्छी इसके पापा लेके आए इसे। तो ये अगर आपके सिंक में नहीं है तो आप लोग इसको ज़रूर लगा लेना, काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ ग्रीन टी धूप में बैठकर, आजकल सर्दी में ना धूप में बैठने का काफ़ी मज़ा आता है। तो ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, छोटू सा ब्लॉग था, मैंने आपको अपना किचन दिखाना था। तो अगर आपको अच्छा लगे होगा ना तो आपने लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।